नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धांत केयर पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यमपी एनएचएम सीएचओ के 3800 पोस्ट के ज्वाइनिंग से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आपके जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जवाब हर एक सवाल के मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर सैम्स के द्वारा नोटिस भी जनरल क्वेरीज का यहाँ पर जारी हो चुका है दोस्तों, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ 3800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एमपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू अपडेट सामने निकल के आ रही है जनरल क्वेरीज एंड देयर रिस्पॉन्स का, जो कि 6 अप्रैल का अपडेट है दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो लिखा है प्लीज़ फॉलो द लिंक फॉर जनरल क्वेरीज एंड देयर रिस्पॉन्स। यहाँ पर दो लिंक दे रखा है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में दोस्तों। तो यहाँ पर हमको लिंक को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जनरल क्वेरीज है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सवाल हैं, यहाँ पर उनके आंसर कमेटी के द्वारा दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है जनरल क्वेरीज एंड देयर रिस्पॉन्स फॉर द पोजीशन ऑफ सीएचओ 3800 वैकेंसी एनएचएम। तो जो भी कैंडिडेट्स 3 फरवरी से 6 फरवरी के बाद बीच जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, फर्स्ट क्वेरीज में इसमें जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम्प्लीट नहीं है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड जो यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला है वो है कि आपका जो फाइनल ईयर का, अगर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर उनका जो मार्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वो अपना फाइनल सबमिट कर दें एग्ज़ाम का, मतलब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फाइनल मार्कशीट आने के बाद फाइनल ईयर का, यहाँ पर आपको इस लिंक से अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेरी है स्टूडेंट की, वो है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो उनका रिजेक्ट किया गया था उनका डॉक्यूमेंट, तो उस किस बेस पर रिजेक्ट किया गया था, उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर उसके लिए भी एक लिंक दे रखा है। यहाँ पर कैंडिडेट्स लॉगिन करके देख सकते हैं रिजेक्शन का, यहाँ पर रीजन कारण यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड एट द स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन बट हैव ए लेटर फ्राम MPMSU रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ CCS इन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्ट किया गया था, तो उन्होंने MPMSU के रिगार्डिंग यहाँ पर जो CCS कोर्स कर रखा है BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग वालों, तो उनके लिए जो यहाँ पर कमेटी के द्वारा जो रिस्पांस है वो ये है कि यहाँ पर फाइनल आउटकम ही है, इसके बाद कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ये फाइनल है। उनका वेरिफिकेशन यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है तो रिजेक्ट ही रहेगा, जिन्होंने MPMSU के रिगार्डिंग CCS कोर्स यहाँ पर, CCS इंटीग्रेशन कोर्स यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर नीचे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं यहाँ पर स्टूडेंट के। तो सबसे पहले जो क्वेरी है वो ये है कि आई एम ए फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग एंड आई डोंट हैव 4th ईयर मार्कशीट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आर एनी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, व्हाट शुड आई डू। मींस इसमें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग के हों या पोस्ट BSc नर्सिंग के हों, तो अगर उनका मार्कशीट फाइनल ईयर का नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिस्पांस आया कमेटी के द्वारा वो ये है कि द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एट पास द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड वेट टिल दे पास द एग्जामिनेशन एंड दे विल बी एबल टू अपलोड सबमिट द फाइनल ईयर मार्कशीट थ्रू द लिंक। तो ऐसे कैंडिडेट्स का जो पास नहीं हुए फाइनल ईयर में, अभी उनका मार्कशीट या रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अभी वेट करना चाहिए उनका फाइनल ईयर पूरा होने में, मार्कशीट आने में, रजिस्ट्रेशन आने में, उसके बाद देन यहाँ पर जो लिंक दे रखा है इस पर जाकर उनको अपलोड कर देना है यहाँ पर अपना मार्कशीट एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो स्टूडेंट की, यहाँ पर सॉरी
यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के द्वारा ये है कि व्हाई आई एम रिजेक्टेड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, मींस कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें उनका डॉक्यूमेंट क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर जो रिस्पांस आया है वो ये है, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन चेक द रीजन ऑफ रिजेक्शन बाय एंटरिंग देयर इंडिविजुअल लॉगिन आईडी। तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट्स अपना इंडिविजुअल लॉगिन आईडी लॉगिन करके यहाँ पर इस लिंक से देख सकते हैं कि किस बेस पर किस रीजन पर उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेरी है वो है, आई हैव बीन रिजेक्टेड इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट आई हैव ए लेटर फ्रॉम MPMSU रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ CCS इन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्शन हुआ था तो ऐसे स्टूडेंट ने MPMSU के रिगार्डिंग CCS कोर्स यहाँ पर लगाया था तो उनका जो रिस्पांस आया है कमेटी के उनके लिए वो ये है कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड अगेन कंसीडरिंग MPMSU लेटर एंड द आउटकम इज फाइनल। मीन्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इसी MPMSU के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कंसीडर किया गया है एंड जो डिसीजन हो वो यहाँ पर फाइनल है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेरी है वो ये है कि इट हैज़ बीन मेंशनड इन द रूल बुक दैट कैंडिडेट्स विल गेट द ज्वाइनिंग आर पोस्टिंग ऑर्डर एज एन इंटर्न CHO विदाउट फाइनल ईयर मार्कशीट ऑन पे ऑफ 15,000+7,500 बट नाउ यू हैव मेंशनड अबाउट द ज्वाइनिंग पोस्टिंग आफ्टर गेटिंग फोर्थ ईयर मार्कशीट। यहाँ पर कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मेंशन किया था कि रूल बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको 15,000+7,500 यहाँ पर पे करके जो मतलब जिनके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है उनको इंटर्न CHO के रूप में ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो यहाँ पर जो रिस्पांस यहाँ पर आया है कमेटी की ओर से वो ये है कि द पोस्टिंग प्रोसेस शैल बी इनिशिएट आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए ये जो मतलब कि उन कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर रिस्पांस निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि वो उनका मतलब कि फाइनल ईयर होने के बाद जो मार्कशीट है उनका सब सक्सेसफुली सबमिशन के बाद ही उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे आपके। अगर फिर भी आपके कोई भी सवाल और रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।